पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का देश भर में खुला विरोध देखने को मिल रहा है। पुलिस द्वारा अर्णब की गिरफ्तारी के खिलाफ जगह जगह जुलूस निकालने के साथ ही महाराष्ट्र सरकार के पुतले फूके जा रहे हैं। इसी से मिलती जुलती तस्वीर जनपद महोबा में भी देखने को मिली है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार की घोर निंदा करते हुए सरकार का पुतला शहर के आला चौक में फूका है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने के साथ ही रिपब्लिक भारत के चीफ एडिटर अर्णब गोस्वामी की रिहाई की मांग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। जिला संयोजक हिमांशु कश्यप ने अर्णब की गिरफ्तारी का खुलकर विरोध करते हुए इसे चौथे स्तंभ की हत्या करार दिया है। महोबा उत्तर प्रदेश से ऋतुराज राजावत की रिपोर्ट। आज आना चाहूंगा पुतला फूका गया, महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूका गया। जैसे ये मीडिया आप लोगों को संज्ञान में आया होगा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा रिपब्लिक भारत के जो एडिटर इन चीफ हैं अर्णब गोस्वामी जी, उनके खिलाफ उनको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया गया है। तो इसलिए पुतला फूका क्योंकि लोकतंत्र पे मीडिया, हमारे देश में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और चौथे स्तंभ पे आप सीधा सीधा हमला करें तो वो लोकतंत्र पे भी आप हमला कर रहे हैं। क्या मतलब महाराष्ट्र सरकार इतनी बौखला गई है एक रिपोर्टर से, एक एडिटर इन चीफ से, एक चैनल से कि उसके खिलाफ साजिश पे साजिश कर रहे हैं। हमने पिछले दिन देखा कि फर्जी टीआरपी का मामला साहब लेके आए, वो भी फेक निकला। मतलब इतने सारा मीडिया से अगर आप लोग, महाराष्ट्र सरकार जलती है, मतलब उनको डर लग रहा है, तो फिर वो किस लिए सरकार बैठे? क्योंकि मीडिया का काम है कि सरकार से जाके सवाल पूछना, और मीडिया सरकार से सवाल पूछेगी तो आपको उस सवालों का जवाब देना, ना कि आपको उनको वो सरकार पे कार्रवाई, सरकार मीडिया पे कार्रवाई करेगी।